भैया जी, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हम और आप सभी का जाने का सपना होता है, यानी कि माता वैष्णो देवी के धाम। और हम में से सभी माता रानी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा माता वैष्णो देवी के लिए। मैं यहां आया हूं 27 जुलाई को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहां पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ यहां पहुंचने के सारी डिटेल्स को और क्या क्या परेशानियां का सामना आपको करना पड़ सकता है और उसके लिए क्या क्या यूजफुल टिप्स है। साथ ही साथ जानेंगे खाने में और साथ ही साथ रहने में आपका कितना बजट लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। यात्रा शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। वैष्णो देवी आने के लिए आप सबसे पहले जम्मू पहुँचे। जम्मू में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों का सुविधा है। जम्मू से आप बाय बस 60 रुपीज दे करके कटरा पहुँच सकते हैं। कई शहरों से दिल्ली, चंडीगढ़, इन सारे जगह से डायरेक्ट कटरा के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगा। कटरा अभी फिलहाल न्यू स्टेशन बना है तो कुछ कम ट्रेनें आती है, पर धीरे धीरे काफी ट्रेनों का संख्या यहां बढ़ता जा रहा है। जम्मू से कटरा अप्रोक्स 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है। दिल्ली और चंडीगढ़ से आपको डायरेक्ट बस भी कटरा और जम्मू के लिए मिल जाएगा। जम्मू से कटरा आने में आपको 1 आवर का टाइम लग जाता है, तो आप प्रीफर करें कि जो ट्रेन आपको कटरा छोड़े वो ट्रेन प्रीफर कर सकते हैं आप कटरा आने के लिए। कटरा रेलवे स्टेशन काफी साफ सुथरा है क्योंकि ये अभी नया नया स्टेशन बना है, तो काफी क्लीन रहता है यहाँ। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी होती है। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं या फिर यात्रा पर्ची आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने टाइम यात्रा पर्ची बनवा ले। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आपको यात्रा पर्ची का काउंटर मिल जाता है, जहां पे आप लाइन में लग करके यात्रा पर्ची कटवा सकते हैं। आप जब ट्रेन या बस से जम्मू क्रॉस करते हैं, जम्मू ताबी, उसके बाद आपके फोन से नेटवर्क चला जाता है। आप चाहे कोई भी सिम यूज कर रहे हो, आपके फोन का नेटवर्क नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी अदर स्टेट का सिम नहीं चलता है। यहाँ पे आपको यहाँ का जो प्रॉपर सिम होता है, सिम काउंटर बने होते हैं, वहाँ पे आपको सिम लेना पड़ता है, चाहे वो एयरटेल हो या जियो। इसका प्राइस आपको 350 के अप्रॉक्स पे करना पड़ता है। कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो से आप कटरा बस स्टैंड या फिर बाणगंगा जा सकते हैं। बाणगंगा जाने के लिए आपको 100 से 200 रुपए के बीच में किराया देना पड़ता है, जिसमें आप 4 से 5 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, बाणगंगा जा सकते हैं। और अगर आप बस स्टैंड जाना चाहते हैं, कटरा बस स्टैंड, तो आपको 100 रुपए के अंदर में आपको बस स्टैंड छोड़ दिया जाता है। रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और बाणगंगा आपको 4 किलोमीटर पड़ जाता है। कटरा में जो आप रूम लेंगे उसका किराया आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में देना पड़ता है। जो ये रूम हम लिए हुए हैं इसका किराया हमने 1000 रुपए पे करा है। आपको होटल के साथ यहाँ का ट्रेवल, जो आपको बाणगंगा तक जाना है होटल से, वो आपको इसमें जो वैन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है होटल की तरफ से, जो कि आपको बाणगंगा तक लाएंगे और छोड़ने के लिए जाते हैं। होटल में आपको वाईफाई का सिस्टम और जो खाने का सिस्टम है वो भी अवेलेबल होता है, आप आसानी से वो भी मंगा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड से भवन यानी कि माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो आपको अप्रोक्स 15 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। आपको पहले बाणगंगा जाना पड़ता है, जहां पर आपका यात्रा पर्ची चेकिंग होता है, उसका स्कैनिंग होता है, उसके बाद आपको उसके अंदर आगे जाने के लिए दिया जाता है। यह है बाणगंगा। जब आप अपना जो QR कोड है यात्रा पर्ची का वो स्कैन करा के अंदर आते हैं तो बाणगंगा पड़ता है। पोनी, पिट्ठू या घोड़े, खच्चर, इन सब से जाने के लिए जो आपको प्राइस पे करना पड़ता है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। घोड़े से अप्रोक्स आपको 1250 रुपए के समथिंग देना पड़ता है भवन तक जाने के लिए। पूरे यात्रा में शेड लगे हुए हैं जिसके मदद से आप बारिश के टाइम में भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और ये जो बरसाती है, रेनकोट है, ये आप 100 रुपए में कटरा मार्केट या कहीं पे भी आसपास में खरीद सकते हैं।
तो भैया जी, इस कहानी के अगले पड़ाव में हम पहुंचे हैं बाणगंगा, और ये बाणगंगा आपका नज़ारा देख रहे हैं। जब बाणगंगा आप आते हैं तो आपका यात्रा पर्ची चेक होता है, जो कि ऑन द वे ही होता है। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। आप लाइन बाय लाइन आकर के आप ये बाणगंगा पहुँच सकते हैं, और यहाँ आप स्नान कर सकते हैं जैसा कि सब कर रहे हैं। तो चलिए अब हम भी करके देख लेते हैं। बोलिए जय माता दी। बाणगंगा का मान्यता है कि यहाँ पे माता ने तीर चला करके हनुमान जी का प्यास बुझाया था। जब ये गंगा माता को प्रकट करके हनुमान जी का प्यास बुझाई थी माता, और इसी जल में माता ने अपना जो केस है वो बाल वो धोए थी। यहाँ पे रास्ते में आपको काफी सारे शॉप्स मिल जाएंगे, जिसमें आप लाठी, जो कि आपको आगे जो चढ़ान होता है उस पर चढ़ने में मदद हो जाता है, तो आप लाठी 20 रुपए के प्राइस रेंज पे खरीद सकते हैं। माता की चुनरी खरीद सकते हैं, और जगह जगह आपको स्टूडियो मिल जाएगा देखने को, जिसमें आप 40 से 50 रुपए में देके फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मसाज सेंटर में मिल जाएगा, जो आपको 30 से 50 रुपए के बीच में फुल बॉडी मसाज कर देते हैं। आपको माता के भवन जाने टाइम में कुछ मंदिर जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से चरण पादुका मंदिर भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ से जो जाने का रास्ता होता है, दो रास्ता है, एक 14 किलोमीटर के समथिंग है, एक 12 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप पुराना रास्ता यानी 12 किलोमीटर वाले के साथ जाते हैं तो आपको चरण पादुका मंदिर का दर्शन होता है। अगर आप नए वाले के तरफ से जाते हैं तो आपको ये मंदिर का दर्शन नहीं हो पाता है। चरण पादुका मंदिर से अप्रॉक्स अर्धकुंवारी 6 किलोमीटर के समथिंग पड़ जाता है। यहाँ पे रास्ते में आपको कई जगह PCO बूथ जो होता है वो आपको देखने को मिल सकता है, जो आप घर परिवार को आप चाहे तो आसानी से बात कर सकते हैं। आप रास्ते में भवन के ओर चढ़ने टाइम में सीढ़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी थकाने वाला सफ़र होता है, तो आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ सकता है। आप रिटर्न के टाइम में सीढ़ी का सहारा ले सकते हैं, जो आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको रास्ते में काफ़ी सारे जगह वॉशरूम और पानी भरने के लिए जो आपका फिल्टर होता है वो लगा आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। फाइनली पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर। ऊपर ही है, फॉग के कारण दिख नहीं रहा है, बट अब भैया जी पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर। दो ढाई घंटे, तीन घंटे अप्रॉक्स लगे हैं यहाँ पहुंचने में, और अभी मंदिर जाके देखते हैं, अंदर दर्शन करवाते हैं। भैया जी, यहाँ अर्धकुंवारी में अंदर जाने के लिए आपको स्लॉट मिलता है, तो स्लॉट के लिए पहले आपको यात्रा पर्ची दिखाना पड़ता है, जो आप नीचे कटवाए हुए हैं, तो वो यात्रा पर्ची यहाँ जमा करेंगे इस लाइन में, फिर आपका स्लॉट बुक होगा, तो फिर उसके बाद आप स्लॉट वाइज अंदर जाएंगे गुफा में दर्शन के लिए अर्धकुंवारी में। जो अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद आप यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, ताकि अर्धकुंवारी में आपका दर्शन हो सके। अर्धकुंवारी में जो नंबर लगता है वो काफ़ी लॉन्ग लगता है, कभी कभी तो एक से दो दिन तक का लग जाता है नंबर आपका, तो आप यहाँ पे नंबर लगा करके तब आप आगे माता की भवन की और तरफ जा सकते हैं, ताकि जब आप रिटर्निंग टाइम में आपका नंबर आए तो आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए आप यहाँ पे पर्ची कटा सकते हैं। आपको अर्धकुंवारी में अनाउंसमेंट सिस्टम का भी सुविधा मिल जाता है। अर्धकुंवारी में काफ़ी सारे भवन का भी सुविधा है, जो कि आप साइन बोर्ड पे जाके, जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से रजिस्टर्ड करके आप भवन के पास भी
डॉर्मेट्री या रूम बुक कर सकते हैं। भैया जी इंतजार कर रहे हैं हमारे नंबर का, तो अभी 540 560 चल रहा है। हमारा नंबर है 628 628 नंबर है, तभी जा करके बारी बारी करके मिलता है जाने के लिए। इंतजार कर रहे हैं गर्भगृह जाने का, माता रानी का, देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाता है या नहीं। जय माता दी। यहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं। काफी सारे लोग अर्थक्वारी में स्टे भी करते हैं, या फिर आप डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं जिसका चार्ज आपको 120 के अप्रॉक्स पड़ता है। आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बुक कर ले, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो सारा फुल रहता है, जो कि आपको यहाँ पे जगह नहीं मिल पाता है रहने के लिए। आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बुक करके पहले से आए। अर्थक्वारी से भवन का रास्ता अप्रॉक्स 5 किलोमीटर के समथिंग रह जाता है। पिट्ठू या आप किसी भी चीज़ से, अगर पालकी खच्चर किसी से भी आप अगर जाते हैं, तो आपको भवन से आधा किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर दिया जाता है। भवन पहुंचने के बाद आप माता वैष्णो देवी के साइन बोर्ड से आप प्रसाद ले सकते हैं। जो इसका प्राइस है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप भवन पहुंचने के बाद अपना जो लगेज है, फोन है और जितने भी पर्स है, बेल्ट है, ये सारी चीज लेदर के सामान को आप यहाँ पे जो है लॉकर रूम में रख सकते हैं। लॉकर रूम के लिए आपको थोड़ी लंबी लाइन लग सकती है कभी कभी, तो आप यहाँ पे लग करके आप लॉकर रूम का चाबी लेकर के अपना जो सामान है लगेज है उसको डिपॉजिट कर दे, क्योंकि भवन के अंदर किसी भी मोबाइल पर्स या किसी भी चीज को जाने का परमिशन नहीं होता है। लॉकर रूम का जो सर्विस होता है वो फ्री होता है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने का जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे काफी सारे लॉकर रूम अवेलेबल है, आप आसपास में लॉकर रूम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे लॉकर रूम का सुविधा अवेलेबल होता है, लेकिन आपको थोड़ी लंबी लाइनें लगनी पड़ सकती हैं। आप भवन जाने से पहले स्नान जरूर कर ले। यहाँ पे बाथिंग घाट जो है वो बनाया गया है, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो आप यहाँ पे स्नान करके फिर माता के भवन के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। जब आप माता के दर्शन के बाद नीचे आते हैं तो आपको रास्ते में ही एक शिव जी का जो गुफा है वो मिलता है, और एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर है वो भी है, आप उसका दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप माता के भवन के दर्शन के बाद भैरव घाटी के लिए भी जा सकते हैं। भैरव घाटी के लिए जाने के लिए आपको रोपवे का भी सुविधा जो है वो अवेलेबल है, और 2 किलोमीटर का ट्रैक होता है, आप वो भी कर सकते हैं। आप अगर रोपवे से जाते हैं तो आपका जाने आने दोनों का टिकट आपको 100 रुपीज़ का पड़ता है, जिसमें आपका जाना प्लस आना दोनों होता है। रोपवे के टिकट के लिए आपको लंबी लाइनें लगनी पड़ सकती है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जी मिल गया है रोपवे का टिकट, 100 रुपए का, भैरवनाथ के लिए, और अब चलते हैं देखते हैं भैरवनाथ 100 रुपए के टिकट से। रोपवे से आपको 5 मिनट के समथिंग में आप आसानी से भवन से आप जो भैरव बाबा का मंदिर है वहां पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो घोड़े सबसे भी जा सकते हैं, जिसका आपको 350 से 400 रुपए पे करना पड़ता है भवन से लेकर के आपको भैरव बाबा के मंदिर तक के जाने का। ये है भैरव बाबा का मंदिर, जहाँ पे रश तो काफी ज्यादा है और ये काफी ऊंचाई पे है। यहाँ पे काफी सारे लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, और यहाँ पे मंदिर में आपको ज्यादा लंबा लाइन नहीं लगना नहीं पड़ता है, आप आसानी से भी दर्शन कर सकते हैं। माता का भवन हो या फिर भैरव बाबा का मंदिर, आपको इन किन्हीं किसी भी जगह पे आपको फोटोग्राफी या जो भी वीडियोग्राफी है ये करना अलाउड नहीं है। तो फाइनली हो गया है दर्शन कंप्लीट। दर्शन काफ़ी अच्छा रहा, और यहाँ आने में मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगा होगा, और काफ़ी प्यारा दर्शन रहा भैरव बाबा का। अब कैसा रहा दर्शन मम्मी? अंदर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? पक्का?
इसका जो ओपनिंग टाइम है वो अप्रॉक्स मॉर्निंग में 7 AM है और शाम में 3:30 बजे के समथिंग 3:30 में ये क्लोज हो जाता है। फिर अप्रॉक्स 7 PM में आपको फिर ये ओपन होता है, फिर 8:15 तक ये क्लोज हो जाता है। वैष्णो देवी जाने के लिए आपको 2 रूट मिलता है, एक जो कि बाणगंगा होके होता है, एक जो नया रूट बना है उसका नाम है ताराकोट मार्ग, जहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है बट यहाँ जो भीड़ होता है वो कम होता है, तो आप इस रास्ते को भी चूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस रास्ते में आपको चरण पादुका माता का जो दर्शन है वो नहीं हो पाता है, तो आप इसे रिटर्निंग में चूज कर सकते हैं इस होकर के वापस आने के लिए। यह रास्ता है भैरव बाबा के दरबार से आता है। अगर आप लिफ्ट दोबारा यूज नहीं करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वापस नीचे जाके फिर वहाँ से उतना डिस्टेंस कवर करना, तो आप भैरव बाबा के दरबार से जो रास्ता आता है नीचे अर्थवारी की तरफ, तो ये रास्ता ले सकते हैं। रास्ता काफ़ी सुना है क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान रास्ता पड़ जाता है, आप ये रास्ता देख सकते हैं। अगर यहाँ आने का बजट का बात करें तो आप होटल जो है आपको 600 से 500, 600 से अप्रॉक्स 1000 रुपये के समथिंग में आपको 2 लोगों का आसानी से होटल मिल जाता है। आपको पर पर्सन जो आपको खाने पीने में खर्च आने वाला है वो 200 से 400 रुपये के समथिंग में आप आसानी से खा पी सकते हैं। साथ ही आपको रास्ते में कई जगह लंगर देखने को मिल जाता है, तो आप वो लंगर भी यूज कर सकते हैं। तो आपका टोटल एक्सपेंस जो आपको पड़ जाता है अप्रॉक्स 1500 के समथिंग पड़ जाता है। हाँ, आप में से हर किसी का तो इतना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी का 2000 भी पड़ जाएगा और इससे भी इनफ पड़ सकता है, बट मिनिमम जो आपको चार्ज पड़ने वाला है 1000 से 1500 रुपये में आप यहाँ पे आसानी से घूम सकते हैं। इसमें आपका जो टिकट का प्राइसेस है वो इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको जहाँ से भी आप आते हैं, जिस स्टेट से आते हैं, वो चार्ज आपको पे करना पड़ता है, उसका हटा के आपको यहाँ पे इतना चार्ज पे करना पड़ता है। 100 रुपये अप्रॉक्स रोपवे का है, तो वो भी इंक्लूड कर देते हैं, तो अप्रॉक्स 1500 के समथिंग आपको चार्ज पड़ जाता है यहाँ पे। तो भैया जी, अब हो गया है वापस घर जाने का टाइम, ट्रेन अभी 10 बजे, अभी के 9:30 बज रहे हैं, अभी मॉर्निंग में 27 जुलाई और अभी हम स्टेशन पे हैं, तो मेक श्योर कि नेचर को क्लीन रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।